बच्चों आप जानते हैं कि बहुत कम दिन बचे हुए हैं, लगभग 4 महीने बचे हुए हैं। क्या आप तैयारी करना सही है या नहीं है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो BCA के एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुके होंगे, उनके पास अभी टाइम है, बट वो सोचते हैं कि क्या तैयारी करें ना करें। ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, फ़ोन आते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं। तो एक हम लोग टॉपिक इसी को लेकर चल रहे हैं कि क्या तैयारी करना अभी सही रहेगा या नहीं रहेगा, कैसे फिजिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा। तो वो 3 महीनों को हम एक मानक ले रहे हैं। अगर आप दिसंबर को लेके चलते हैं तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, हम ये दिखाएंगे अपने एनालिसिस से कि अगर आप फरवरी तक ही जाएंगे, अगर फॉलो करते हैं तो फरवरी तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और देन आफ्टर आपके पास मार्च और अप्रैल बचेगा जब आप रिवाइज कर सकते हैं, और अप्रैल और मई आपके पास मॉडल, मतलब आप ओरिजिनल पेपर भी स्कैन कर लेंगे और कुछ पेपर्स उसी पर आधारित पेपर भी कर ले जाएंगे इन सारे लास्ट दिनों में। और मुझे लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार कोर्स कंप्लीट हो आपका, फिर उसका रिवीजन होना चाहिए, फिर उसके प्रैक्टिस के लिए पेपर्स और मॉक टेस्ट दे पाए। तो क्या 3 महीने में और जो बचे हुए 1.5 महीने में ये सब पॉसिबल है या नहीं है? तो आज के वीडियो में हम लोग 1 महीने का प्लानर देखेंगे। अगर 1 महीने में इतना कंप्लीट कर पाते हैं तो आगे की स्ट्रेटजी हम लोग आगे फॉलो कर पाएंगे, उस कॉन्फिडेंस को आगे और बढ़ा पाएंगे। तो 1 महीने का जो 1 मंथ का कैलेंडर है, ये न्यू ईयर का कैलेंडर नहीं है, नया साल का कैलेंडर नहीं है, ये दिसंबर का कैलेंडर है, परफेक्ट प्लानर है। और ये प्लानर कैसे सेट किया है ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जो निमसेट का एनालिसिस किया है मैंने, उसमें मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहने का मतलब स्कोरिंग टॉपिक, देखो जब भी आप कोई एग्जाम निकालते हैं तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपकी रैंक और आपका स्कोर। तो वहाँ पर उन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपका इंटरेस्ट यहाँ पर मैटर नहीं करता है। तो बिना प्लानिंग के, बिना परफेक्ट स्ट्रेटजी के, विदाउट कैलेंडर के ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है और कैसे पॉसिबल बनेगा, 1 मंथ का कैलेंडर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं इस ग्रिड को जो हमने चार्ट बना के रखा है, आप एक बार देख लें, स्कैन कर लें। यहाँ पर हमने टॉपिक लिए हैं, मैथ्स के टॉपिक लिए हैं, यहाँ पर रीजनिंग के टॉपिक लिए हैं, कंप्यूटर, इंग्लिश और एप्टीट्यूड। सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि निमसेट में या MCA में 70% मैथ्स मैटर करता है। तो सबसे पहले हमने मैथ्स को यहाँ वेटेज दिया है, ब्रैकेट में जो लिखे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि उस टॉपिक के, पर्टिकुलर टॉपिक के 10 साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं, अब यहाँ देख सकते हैं। सो अभी पहले वीडियो में हमने 10 टॉपिक उठाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट मंथ का कैलेंडर जो लेके आएंगे उसमें लास्ट के टॉपिक उठाएंगे। पहले हम ये देखें कि 1 महीने में क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। यहाँ पर हम जो लिए हैं, जो डेज डिवाइड किए हैं, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही रीजनिंग को आप देख सकते हैं, टॉप मोस्ट टॉपिक को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, उनके डेज डिवाइड किए। कंप्यूटर में देखिए, यहाँ पे हमने डेज डिवाइड नहीं किए, वीकेंड लिखा हुआ है। ऐसे इंग्लिश में 1 आवर डेली। तो इन सारी चीज़ों को एक बार हम लोग बता देते हैं कि कैसे करना है, जिससे आप आइडिया ले पाएं। देखिए मैथ्स के टॉपिक को हमने ऊपर से लेके नीचे तक लिया है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया है। अब हम मानते हैं कि अगर टिक्नोमेंट्री का डेज 4 डेज देते हैं, कि 4 दिन में आप टिक्नोमेंट्री, अगर आप शुरुआत से लास्ट तक रेशियोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और इनवर्स को आप देंगे, तो 4 दिन में आप मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद 3+ यहाँ लिखा है, 3+ का मतलब है, अगर आप, मैं मानता हूँ कि 3 दिन में वेक्टर सफिशियंट है, पर आपको लगता है कि थोड़ा और मुझे चाहिए, तो आप 1 दिन प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 डेज कोऑर्डिनेट एक मेजर पोर्शन है, कम से कम 7 दिन लगेंगे, और 7 दिन बेटा तभी लगेंगे जब आप परफेक्ट तरीके से आप एक एक्सेलरेशन में लेके जाएंगे। आप देखो वो टॉप दिन और वो टाइम नहीं बचा है कि आप एक टॉपिक को लिए बैठे हैं और 15 दिन रगड़ रहे हैं, आप भूल जाइए, निमसेट अगली साल आप देना। इस साल इस प्लानर को वही फॉलो कर पाएंगे जो इस पर रिजिड रहेंगे। हाँ, प्लस और यहाँ प्लस लिया गया है, हम मान रहे हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दिन सफिशियंट है, मगर आपको लगता है कि कहीं पर आप मिस कर रहे हैं, कहीं आपको मजा नहीं आ रहा, कहीं आपको लग रहा है कि परफेक्शन अभी नहीं हुआ है, तो 1 दिन आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सेट रिलेशन फंक्शन को भी 1 दिन आप बढ़ा सकते हैं। तो आप एक बार स्कैन कर लें, डेज को हमने डिवाइड किया है कि 30 डेज को हमने डिवाइड किया है, 30 डेज में प्लस और माइनस थोड़ा बहुत हो जाएगा, मतलब अगर आप इन 30 डेज में कंप्लीट नहीं कर पाए, अगर आप 35 डेज भी ले गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि परफेक्ट प्लानर पर नहीं चल रहे हैं। यार देखो, अभी तक कोई प्लान हमारे पास नहीं था। अगर हम 35 दिन में या 37 दिन में भी अगर कोई चीज़ कंप्लीट कर पा रहे हैं, 7 दिन आगे ले जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर हम
तीन महीने में अगर अगर हम अपने टारगेट को लेके चल रहे हैं, अगर 3.5 महीना भी जाता है, अगर एक महीना और भी बढ़ गया तो हमने फरवरी सेट किया है, मार्च अभी चला जाएगा, निमसेट हमारा मई में होगा बच्चों, मई में होगा, तो तब भी मेरे पास दिन बचते हैं। तो मैथ्स को आप देख लें अपने अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर भी आपके 10 टॉपिक होंगे, अगले महीने में 10 टॉपिक और हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ ये अलग से नहीं करने हैं, पैरेलली जैसे ये चला रहे हैं उसी तरीके से आपको उनके साथ साथ, क्योंकि पूरे दिन आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते हैं, आपको पता है कि पूरे दिन 12 घंटे आप मैथ्स पढ़ेंगे तो दूसरे दिन मन नहीं करेगा, तो आपको ये डिवाइड खुद से करना है, टाइम आपको खुद डिसाइड करना है, किस समय क्या पढ़ना है वो डिसाइड करना है, क्योंकि आप उस समय बैठे हुए हैं, हो सकता है आपकी कॉलेज की एक्टिविटी हो सकता है आप ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हो, पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो, तो वो आप अपने आप डिवाइड करें, या आपको शाम में या सुबह या दोपहर में बहुत अच्छा लगता हो, जब आपको जैसा प्लानर हो वो टाइम टेबल आप सेट कर लीजिए। करना क्या है कि पहले आपको मैथ्स का एक टॉपिक उठाना है, एक टॉपिक मैथ्स उठाएंगे, एक टॉपिक इसमें रीजनिंग का उठा लेंगे, इंग्लिश को आप मेरे कंप्यूटर को आप जो कंप्यूटर है मेरे हिसाब से आप वीकेंड में सैटरडे संडे ले जाइए, बट आपको लगता है कि हमें पर डे या हर दूसरे दिन, मगर मुझे लगता है मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 2 दिन आपको पूरे वीकेंड में 2 दिन आपको देने हैं, 2 दिन देने हैं, तो 2 दिन में आपको ओवन जो मैथ्स की वो खत्म हो जाएगी, और 2 दिन अगर देंगे तो अगर 1 मंथ में 4 वीकेंड लेते हैं तो 2 दिन में 8 अगर 8 दिन आप चूज करते हैं तो 8 दिन में कंप्यूटर पूरा हो जाएगा, मतलब बचेगा ही नहीं। बस अपने टॉपिक को लिखा है कि इतने टॉपिक पर निमसेट ज़्यादा फोकस करती है, नंबर आप क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो 1 महीने में पूरा कंप्यूटर आपका हो जाएगा। 8 दिन आपको देने हैं, 8 दिन को कैसे डिवाइड करना है, आप या तो आर वाइज डिवाइड करिए या फिर वीकेंड पे ले जाइए। इंग्लिश को आर वाइज इसलिए नहीं करेंगे कि आर वाइज वीकेंड में इसलिए नहीं करेंगे कि अगर वीकेंड में रखोगे तो आप तब भूल जाओगे, इंटरेस्ट आपका लॉस हो जाएगा। इंग्लिश को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस देना है तो आप 1 आवर के करीब एक डेली आप निकालिए, क्वेश्चंस को अलग रख लीजिए निमसेट के पेपर को, फिर नेट पे सर्च कर सकते हैं या किसी और एक बुक एक्सटर्नल बुक को फॉलो कर सकते हैं, मगर आपको ज्ञान मतलब नॉलेज नहीं पानी है, कोई ग्रामर या इंग्लिश में परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको निमसेट में आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस या उस टाइप के क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं। तो 1 आवर जब आपको लगे कि यार मैथ्स और कंप्यूटर से या रीजनिंग से हम ऊब गए हैं, अब पढ़ने का मन नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए अपना माइंड चेंज करने के लिए, ब्रेक लेने के लिए, साइकोलॉजिकली बोला जाता है कि लगातार अगर एक चीज़ आप पढ़ते हैं, कोई भी चीज़, एक चीज़ खाते हैं पीते हैं कुछ भी एक चीज़ करते हैं तो ऊब आने लगती है, फिर आप जब तक आप ऊब जाएंगे तो आप बहुत अच्छे मतलब जोश के साथ कोई चीज़ काम नहीं कर पाएंगे, जैसे ही आपका जोश ठंडा हो गया, यानी कि सबसे निगेटिव पॉइंट है, तो इसको बरकरार रखने के लिए इंग्लिश बीच बीच में आप 1 घंटे को कैसे डिवाइड करेंगे ये आपके ऊपर है, कब आपको लगता है कि हम स्लो हो जाते हैं तब आप इंग्लिश को सफल करें। एप्टीट्यूड में देखो हमने कुछ भी ऐसा डिवाइड नहीं किया गया, एप्टीट्यूड रीजन ये है कि एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा पार्ट रहता है, कभी कभी फ्लक्चुएट करता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट पे, ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच पर, ये डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है, अगर इन सारी चीज़ रिसोर्सेज हैं तो थोड़ा टाइम एप्टीट्यूड पे भी दे सकते हैं। तो ये हमारा रहा 1 मंथ का कैलेंडर कि 1 महीने में आप कैसा करेंगे, किस तरीके से फॉलो करेंगे, पहले फॉलो करके देखिए, थोड़ा सा आपको लगेगा टफ हो सकता है लगे, आप हो सकता है कि थोड़ा मिस करें, 1-2 बार ना प्रॉपर हो पाए, बट लगे रहिए, 1 मंथ में इतना पॉसिबल है तो 3 मंथ में 100% गारंटी से अगर आप कल से परफेक्ट तरीके से शुरुआत करते हैं तो 3 महीने में वाकई में आप पूरा स्कैन कर डालेंगे और आपके पास मॉडल और ओरिजिनल पेपर का टाइम और रिविजन का भी टाइम मिलेगा। अभी कुछ भी ऐसा नहीं निकला है कि ऐसा कुछ भी नहीं निकला है, आप एक अच्छे रैंकर हो सकते हैं, अभी भी बता रहा हूँ, बाकी आगे वाले पार्ट में हम कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कुछ बुक्स के बारे में, बहुत सारे बच्चे हमें पूछते रहते हैं कि बुक्स कौन सी फॉलो करें, मटेरियल कौन सा फॉलो करेंगे, तो क्विक थोड़ा सा बस शॉर्ट में हम देंगे कि बुक्स कौन कौन सी आप फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन देंगे थोड़ी सी कोचिंग के बारे में कि अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो आप कोचिंग किस तरीके से मावला क्लासेस आपकी हेल्प कर सकती है, बने रहिए नेक्स्ट पार्ट में। चलिए बच्चों हम लोग बुक्स पे भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स यानी मैथ्स की बुक्स के बारे में हम लोग बताएंगे, आर डी शर्मा सेल्फ स्कोरर और दिशा पब्लिकेशंस। आर डी शर्मा वेल नोन है, 2 वॉल्यूम में आती है, आर डी शर्मा फॉर कॉम्पिटेटिव या आर डी शर्मा फॉर ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स करके लेंगे। आर डी शर्मा एक 12th स्टैंडर्ड की भी आती है, तो 12th स्टैंडर्ड वाली आर डी शर्मा नहीं, जो कॉम्पिटेटिव लेवल पर आती है, जेई और अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए आती है, वो वाली आर डी शर्मा आप लेंगे। सेल्फ स्कोरर भी 2 पार्ट में आती है, एक एडवांस के लिए आती है
तो एडवांस वाली नहीं लेनी है, जो मेंस के लिए एप्लीकेबल है वो सेल्फ स्कोरर लेनी है। और दिशा पब्लिकेशंस की एक बुक आती है जो लास्ट 37 इयर्स के मेंस के पेपर को उन्होंने टॉपिक वाइज ईयर वाइज बनाया है, आप दिशा पब्लिकेशन लास्ट 30 इयर्स के पेपर्स को ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की, तो यहाँ B.S. सिजवाली लिखा है, B.S. सिजवाली या आर.एस. अग्रवाल, B.S. सिजवाली काफ़ी अपग्रेड की गई है, पहले आर.एस. अग्रवाल बहुत सारे लोग लिया करते थे, अब B.S. सिजवाली आप ले सकते हैं। कंप्यूटर में P.K. सिन्हा और B.R.A.M. में से कोई भी आप ले सकते हैं, P.K. सिन्हा बहुत ज़्यादा रिलायबल बुक मानी जाती है, काफ़ी अच्छा दिया गया है, थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा दिया गया। B.R.A.M. में आप डिजिटल पार्ट देख सकते हैं, डिजिटल पार्ट के लिए ले सकते हैं। अरिहंत के लिए एक बुक आती है, अरिहंत की MCA कंप्लीट पैकेज करके आती है, उसमें क्या करना है कि आपको फिर अलग अलग कोई भी बुक नहीं लेनी है, उसमें मैथ्स भी दिया गया है, रीजनिंग भी दी गई है, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, इंग्लिश, एक पूरा कंप्लीट पैकेज उन्होंने MCA का बनाया है। तो उससे क्या होगा कि एक ही बुक खरीदनी पड़ेगी। तो लास्ट, अगर बिल्कुल लास्ट आपके पास टाइम है, आप किसी कॉलेज में BCA सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या थर्ड ईयर के बच्चे हैं, कॉलेज का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत सारी बुक्स नहीं ले सकते हैं, तो MCA के लिए अरिहंत वाली बुक ले सकते हैं। बट फिर भी जो पहला वाला सेशन था, पहला वाला पार्ट था, जब हमने कैलेंडर डिस्क्राइब किया था कि एक महीने में आप कैसे प्लान करेंगे और जो बेस्ट बुक है वो वाली दी गई, फिर भी आपको लगेगा कि परफेक्ट हमारे पास एक मीडियम या सोल्यूशन नहीं है, उसके लिए एक परफेक्ट ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक परफेक्ट इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपको लगे कि बस आगे लास्ट में अपनी कोचिंग का बखान करेंगे, नहीं, मगर रियल में विदाउट ट्रेनर ये रियलिटी है कि आपको लगेगा कि यार बुक्स तो खरीद ली, फिर भी, क्योंकि मैं बुक्स के बहुत सारे 2-3 ऐसे सेशन ले चुका हूँ बेस्ट बुक्स में, फिर भी बच्चे पूछते हैं कि नहीं कुछ और बता दीजिए। तो देखो ऐसा होता है ना कि बुक्स में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस या लेवलिंग नहीं कर पाते हैं, ट्रेनर या इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चंस को लेवल वाइज देगा, जब जितनी ज़रूरत होगी, आज आपको 50 क्वेश्चन लगाने तो 50 क्वेश्चन असाइन किए जाएंगे एक लेवल वाइज, फिर आगे कितने देने हैं, 100 बढ़ाने, 15 बढ़ाने, 20 बढ़ाने, किस लेवल पर बढ़ाने, कैसे सेगमेंट करने, विदाउट किसी एक गाइडेंस, विदाउट किसी एक मेंटर के ये पॉसिबल नहीं है। बुक्स एक ढेर सारा पैकेज होता है, जब एक ढेर आपको दिखता है तो आपको लगता है वर्डन एक लगता है, तो आपको मन नहीं करता कि यार इसको खोलें कि नहीं खोलें, डर एक पैदा होता है, और आपको जब पार्ट वाइज करता है तो ये आपके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट या एक अच्छा गाइडर या अच्छा मेंटर ही कुछ कर सकता है। आगे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे कि किस तरीके से, अगर 3 या 4 महीने आप परफेक्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं, अगर थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ पे आना चाहते हैं, तो हम लोग एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से हम लोग क्या आगे 3 महीने में करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। ठीक है, बने रहिए। चलिए देख लेते हैं कि कोचिंग किस तरीके से हेल्प कर सकती है। डेली 5 घंटे की क्लासेस को हम लोग यहाँ पर शेड्यूल करेंगे। 5 घंटे देखा जाए तो परफेक्ट टाइमिंग है, लास्ट के टाइम है, तो 5 घंटे थोड़ा सा आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के साथ रीजनिंग एप्टीट्यूड इनको भी बैलेंस करना है। पर डे नहीं होगा, बट 7 दिन में मैथ्स की क्लासेस डेली चलेंगी, और वीकेंड पे जैसा कि दिखाया गया एप्टीट्यूड और इंग्लिश को हम लोग लेंगे, वीकेंड मतलब सैटरडे और संडे को, और इन सारे 5 दिन में हम लोग और रीजनिंग और कंप्यूटर को भी लेंगे, और मैथ्स को हमेशा पर डे आप चलाएंगे। तो 5 आवर्स में क्या करेंगे हम लोग, असाइनमेंट भी देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट का मतलब है जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो, और पर डे एक टेस्ट लेंगे, तो पर डे एक टेस्ट भी आपको मिलेगा, जैसे आपको इवैल्यूएशन होगा, असाइनमेंट्स जो आपको होमवर्क होता है, एक टारगेट मिलेगा कि इतना करना है, और एक मेंटर आपको जब क्लास का डिस्कशन लेता है तो बताता रहता है कि आपका टेस्ट का परफॉर्मेंस क्या है, असाइनमेंट्स आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन आप क्लास में, और गति भी देता रहता है, मतलब आगे का कोर्स बढ़ता रहता है, तो आपका सारा बैलेंसिंग होता रहेगा। 3 महीने बाद, मतलब फरवरी के बाद में बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि यार, जो आपको इस समय फील हो रहा है कि अनकॉन्फिडेंस हो चुके हैं, बिल्कुल आशा छोड़ चुके हैं, लोगों ने कहना, जब वो कहते हैं कि आप तैयारी कर सकते हो, तो आपको लगता है कि नहीं कैसे तैयारी करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा समय निकल गया, नहीं निकला है, क्योंकि बहुत सारे इस सारे बैच को, ये लास्ट वाला जब बैच हम शुरू करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं जो वाकई में बहुत अच्छा कर जाते हैं, पिछली बार का भी एग्जाम्पल है, MIT इलाहाबाद, NIT सूरत का, या JNU जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट इस बार फिर आएंगे, जो सेमेस्टर हो जाने के बाद एक मूव लेते हैं और बहुत लास्ट में बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे सारे बच्चे जो अभी भी अनमोटिवेटेड हैं, डिमोटिवेट हो चुके हैं और सोच रहे कि कुछ नहीं होगा, बच्चों अगर 3 या 4 महीने को आपने यूटिलाइज कर लिया, तो इस बार का
जो ईयर है वो तो बचेगा बचेगा, और ड्रॉप लेने वाले हैं वो ड्रॉप बच जाएगा। और जो प्राइवेट कॉलेज के बारे में आप सोच चुके हो, प्राइवेट कॉलेज का मतलब आप अपने आप को तो परेशान करेंगे करेंगे और घर वालों को भी परेशान करेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। गिव नेवर गिव अप आपने सुना होगा। अगर आपके अंदर अभी भी आशा है और जुनून है तो एक बार शुरुआत करो मेरे साथ या कहीं पर भी शुरुआत करिए। इस वीडियो का पूरा पूरा उद्देश्य था कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं बचा है, तो हम आपको कन्फर्मली बता रहे हैं कि अभी ही शुरुआत है। जो लोग मई जून या जुलाई में भी शुरुआत कर चुके हैं अगर वो वीडियोस देखते हैं तो ये ध्यान रखें कि अगर वो स्लो हो गए तो वो वहीं रुक जाएंगे, और जिन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया काउंटडाउन तो वो ओवरकम करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो सबके लिए रेस शुरू हो चुकी है, जो पहले कर चुके हैं, जो अभी शुरुआत करेंगे, जो करने वाले हैं, इन सब में रेस होगी। और जो लास्ट तक अपने आप को पेस को बरकरार रखेगा वही जीतेगा। और मारुला क्लासेस नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ठीक है, देखते हैं कि क्या होगा। आज का मोटिवेशन यहीं तक, आज की स्टेज यहीं तक। आपको कैसा लगा आप जरूर लिखें, जरूर बताएं। थैंक यू।